नमस्कार, टारगेट विद आलोक के 8 PM न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्रा। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोविड-19 के दौर में भारत के लिए अच्छी खबर, रूस और यूके के साथ WHO की कार्यकारी बोर्ड के लिए चयनित। पर्यावरण मंत्रालय की देखो अपना देश के 20वें वेबिनार का आयोजन, उत्तराखंड में पर्यटन की संभावनाओं को किया उजागर। राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण ने जारी किया रिपोर्ट, देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान रिहा हुए विचाराधीन कैदी। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। कोविड-19 महामारी के इस दौर में विश्व स्वास्थ्य संगठन से भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल 19 मई 2020 को भारत का चयन विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के लिए किया गया है। भारत के अलावा बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी बिसाऊ, मेडागास्कर, ओमान, कोरिया गणराज्य, रूस और यूके को भी UNO के कार्यकारी विभाग में जगह मिली है। भारत का चयन ऐसे समय में हुआ है जब संयुक्त राष्ट्र की यह एजेंसी कोविड-19 से उबरने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था में क्षति होने के साथ साथ पूरी दुनिया में तकरीबन 3 लाख मौतें हो चुकी हैं और 47 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। जेनेवा और दिल्ली के राजनयिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत विश्व स्वास्थ्य सभा के सम्मेलन के बाद होने वाली कार्यकारी बोर्ड की पहली बैठक में अपना पदभार ग्रहण करेगा। आपको बता दें कि भारत जापान का स्थान लेगा, जो मई में इस पद पर अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा करेगा। गौरतलब है कि इस कार्यकारी बोर्ड का मुख्य कार्य स्वास्थ्य सभा के निर्णयों नीतियों को प्रभावी बनाना और इसके कार्य को सुविधाजनक बनाना है। यहाँ पर बताना आवश्यक है कि WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई सदस्यों ने सर्वसम्मति से विगत वर्ष कार्यकारी बोर्ड में भारत को 3 साल के कार्यकाल की सहमति जताई थी। 34 सदस्यीय बोर्ड के प्रमुख के रूप में भारत के नामित सदस्य को महानिदेशक के साथ मिलकर काम करना होगा। WHO के एक राजनयिक से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य सभा द्वारा तय किए गए फैसलों को और नीतियों को लागू करने के लिए यह अनिवार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि महानिदेशक का सभी निर्णयों के लिए बोर्ड के चेयरपर्सन को भरोसे में लेना आवश्यक है। भारत अब इंडोनेशिया के स्थान पर कार्यक्रम बजट और प्रशासन समिति का सदस्य भी होगा। आपको बता दें कि WHO पर लगाए जा रहे तमाम आरोपों के बाद भारत समेत अन्य देशों की मांग पर कोरोना वायरस के संदर्भ में अपनी भूमिका को लेकर WHO की निष्पक्ष जांच को तैयार हो गया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी कोविड-19 महामारी पर WHO की प्रतिक्रिया की जाँच को तैयार हो गए हैं। गौरतलब है कि WHO का गठन संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक स्वास्थ्य संगठन के तौर पर 1948 में किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, वैश्विक स्तर पर अति संवेदनशील या कमजोर देशों को संक्रमित बीमारियों के संक्रमण से बचाना ही WHO का मुख्य। दक्षिण अफ्रीका पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत उत्तराखंड एक स्वर्ग शीर्षक से 20वें वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार का आयोजन 16 मई 2020 को किया गया। इस आयोजन में उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित केदारखंड और कुमायूं क्षेत्र में स्थित मनुखंड में पर्यटन की संभावनाओं को उजागर किया गया। इसके साथ ही साथ इसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व विरासत स्थल फूलों की घाटी जैसे लोकप्रिय स्थलों को विशेष तौर पर दर्शाया गया। इसके अलावा देश के सबसे पहले राष्ट्रीय पार्क जिम कार्बेट नेशनल पार्क, राजाजी टाइगर रिजर्व, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क पर भी ध्यान केंद्रित कराया गया। कोविड-19 महामारी के दौर में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय आवागमन न होने के कारण पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुआ है, लिहाजा भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग की सक्रिय मदद से 14 अप्रैल 2020 से देखो अपना देश नाम से वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से भारत के गंतव्य स्थलों की जानकारी दी जा रही है। इस वेबिनार से जुड़े तमाम विद्वानों और प्रतिष्ठित संस्थाओं के विषय विशेषज्ञों ने ऋषिकेश और पिथौरागढ़ में रिवर राफ्टिंग,
औली में विंटर गेम्स, टिहरी बांध और कौसानी में पैराग्लाइडिंग, चोपता एवं पिंडारी ग्लेशियर में ट्रैकिंग के लिए उपलब्ध कई विकल्पों और ऋषिकेश में भारत की सबसे ऊंची बंजी जंपिंग सुविधा जैसी उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन की संभावनाओं के बारे में विशेष रूप से अवगत कराया। इस वेबिनार श्रृंखला के अगले सत्र का शीर्षक फोटो वॉल्किंग भोपाल होगा। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी नालसा द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान जेल में कैदियों की भीड़ कम करने के लिए पिछले 45 दिनों में 42,259 विचाराधीन कैदियों को देश भर की जेलों से रिहा किया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 9,977 विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया। इसके बाद राजस्थान से 5,460, तमिलनाडु से 4,547, पंजाब से 3,698, महाराष्ट्र से 3,400, मध्य प्रदेश से 2,833, दिल्ली से 2,177, हरियाणा से 1,843, पश्चिम बंगाल से 1,715 और छत्तीसगढ़ से 1,643 विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया। इसके अलावा 16,391 कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह रिहाई उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समितियों के सुझाव के बाद किया गया। आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण को 1897 में कमजोर वर्गों को कानूनी सेवा प्रदान करने के लिए गठित किया गया था। इसका संरक्षक भारत का मुख्य न्यायाधीश जबकि कार्यकारी अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का द्वितीय वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A अवसर की समानता के आधार पर न्याय को प्रोत्साहन देने के लिए समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है, जबकि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 22 का पहला खंड विधि के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य को बाध्य करता है। इन्हीं संवैधानिक अधिकारों का आधार मानकर राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। और अब अंत में आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं जो आपके परीक्षाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हाल ही में चीनी साहित्यकार फांग फांग की पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटीड सिटी को प्रकाशित किया गया। फांग फांग की इस पुस्तक में फांग फांग की ऑनलाइन डायरी के अंशों और सोशल मीडिया पोस्ट को संकलित किया गया है। इंटरनेट पर उपलब्ध इस किताब में चीन के वुहान में कोविड-19 के फैलने के दौरान वहां के हालात को एक प्रत्यक्षदर्शी की तरह बयां करने वाली इस किताब को अब भारत में उपलब्ध कराया गया। आपको बता दें कि चीन के वुहान में 25 जनवरी को लॉकडाउन लगाए जाने के बाद फांग फांग ने ऑनलाइन डायरी लिखना शुरू किया था। माइकल बेरी ने इस पुस्तक का अनुवाद किया और हार्पर कॉलिंस ने इसे प्रकाशित कराया। प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्वभर में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस या वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य उच्च रक्तचाप को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना और इसकी गंभीरता को देखते हुए इस साइलेंट किलर को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस का मुख्य विषय अपना ब्लड प्रेशर मापिए, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें या मीजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लीव लॉन्गर है। आपको बता दें कि शरीर में ऑक्सीजन और ऊर्जा प्रवाह के लिए रक्त शोधन का कार्य हृदय द्वारा किया जाता है। धमनियों के जरिए रक्त प्रवाह के लिए दबाव की एक निश्चित मात्रा उपलब्ध कराई जाती है। मनुष्य के शरीर में सामान्य रक्त दबाव 80-120 होता है। यह रक्त दबाव सामान्य से अधिक होने पर धमनियों की दीवारों पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिसे हाइपर ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहा जाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2017 में संपूर्ण भारत में 22.5 मिलियन लोगों में हर 8 में से एक भारतीय उच्च रक्तचाप का मरीज है। भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। इसके लिए
शीर्ष 100 शिक्षा संस्थान नए ऑनलाइन पाठ्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जबकि 12 DTH चैनल छात्रों को घर पर ही वीडियो उपलब्ध कराएंगे। इसके तहत कक्षा 12 तक के प्रत्येक वर्ग के छात्रों के लिए एक चैनल उपलब्ध होगा। प्रत्येक चैनल प्रतिदिन 6 घंटे की पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध कराएंगे, जो सप्ताह के 7 दिन डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी DAISY पर दृष्टि और श्रवण बाधित छात्रों के लिए विशेष ई सामग्री प्रदान की जाएगी। राज्य सरकारें भी अपनी आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम विकसित कर सकेंगे, जो इन चैनलों पर प्रकाशित होगा। IIT दिल्ली और जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक संयुक्त शोध में पाया है कि अश्वगंधा और प्रोपोलिस, जो मधुमक्खियों द्वारा अपने छत्ते को रोधक बनाने में उपयोग किया जाने वाला सलाइवा है, इसमें कोरोना वायरस के लिए प्रभावी दवा बनाने की क्षमता है। अध्ययन में सामने आया है कि अश्वगंधा के केमिकल कंपाउंड विथानोन में कोरोना वायरस के शरीर में चल रहे रेप्लिकेशन को रोकने की क्षमता है। वहीं मधुमक्खी के छत्ते में पाए गए केमिकल कंपाउंड कैफिक एसिड फेनेथाइल ईस्टर यानी KAPE में सार्स CoV-2 एम्प्रो की मानव शरीर में चल रही गतिविधि को रोकने की क्षमता है। फिलहाल ये शोध समीक्षाधीन है। प्रत्येक वर्ष 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 16 मई 2018 को प्रमुख भौतिक शास्त्री और इंजीनियर थियोडोर मेमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन के उपलब्ध में किया गया था। आपको बताते चलें कि ठीक 50 वर्ष पहले 16 मई 1960 को अमेरिकी वैज्ञानिक थियोडोर मेमन ने पहली बार कैलिफोर्निया में लेज़र तकनीक के बारे में दुनिया को बताया था, जिसका पूरा नाम लाइट एम्प्लीफाइड बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। लेज़र का प्रयोग DVD प्लेयर, दुकानों में कीमत बताने वाले स्कैनर, चिकित्सकीय उपकरण, फाइबर ऑप्टिकल केबल आदि क्षेत्रों में किया जाता है। लेज़र का आविष्कार विज्ञान की दुनिया का एक क्रांतिकारी आविष्कार माना जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारे कार्यक्रम आपको कैसे लगे ये हमें ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।